दिल्ली से सटे गाजियाबाद में निर्माणाधीन मेट्रो साइट पर बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा मेट्रो का गाटर सड़क पर गिरने से हुआ। कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी गैंग के शार्प शूटर बलराज भाटी को हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने नोएडा में मुठभेड़ के बाद मार गिराया। बलराज पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने 1,00,000 रुपए और उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। लंदन में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान पर एम्स के डॉक्टरों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। डॉक्टरों ने मोदी के बयान को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि दवाइयों की कीमतें तय करना डॉक्टरों के नहीं सरकार के हाथ में होता है। सत्ता में आने के 3 साल बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी लगाने की कवायद शुरू कर दी है। 700 करोड़ रुपए की सीसीटीवी योजना में राजस्व विभाग की बड़ी भूमिका रहेगी। योजना के तहत राजधानी में 1,40,000 कैमरे लगाए जाएंगे। केजरीवाल सरकार कक्षा 3 से 9वीं तक के छात्रों की नींव सुधारने के लिए मिशन बुनियाद कार्यक्रम चला रही है, लेकिन दावों के विपरीत मिशन का लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद छात्रों तक किताबें नहीं पहुंच रही हैं, जिससे छात्र और अभिभावक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नजफगढ़ के भागिनी निवेदिता कॉलेज पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के काफिले को स्थानीय लोगों ने घेर कर विरोध किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने रास्ते को खाली करवाया और उपमुख्यमंत्री के काफिले को आगे निकलवाया। दिल्ली सरकार ने हाल ही में बिजली के दाम कम करने का ऐलान तो किया है, लेकिन दिल्ली में बिजली के दामों को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि सरकार की घोषणा उनके लिए राहत लाई है या फिर महंगाई की आफत। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौलाना कल्बे सादिक का हालचाल पूछने मेदांता अस्पताल पहुंचे। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और जाने माने शिया नेता को पेट में दर्द की शिकायत के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने 50 सालों तक देश पर राज किया है, उसी तरह बीजेपी भी भारत पर 50 साल तक राज करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आजादी के बाद कांग्रेस को 50 सालों तक मौका मिला, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्लियामेंट से पंचायत तक 50 साल तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों और विधायकों से नमो मोबाइल ऐप के माध्यम से 1 घंटे तक बातचीत की। ऐप के जरिए मोदी ने नेताओं को गांव का विकास करने के लिए अन्ना हजारे के गांव से सीख लेने की सलाह दी। उन्होंने गांव की शक्ति को जगाने और विकास से उसे जोड़ने की बात कही। समलैंगिक संबंधों को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के खिलाफ केशव सूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली हरियाणा के बीच जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वो केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक कर हल निकालें। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा से 150 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत एक्टर सलमान खान के खिलाफ देश भर में दायर मामलों की जांच पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने खान की याचिका पर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि सलमान पर फिल्म के प्रमोशन के दौरान जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप लगा था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उठाने के लिए कहा है। स्वामी ने पूजा को मौलिक अधिकार कहा था। अदालत ने कहा कि मुख्य मुद्दे पर फैसला आने के बाद उनकी याचिका पर ध्यान दिया जाएगा। 10 साल की बच्ची को पुलिस ने गाजियाबाद के अर्थला इलाके में एक मदरसे से बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक किडनैपर मदरसे में ही रहता था। उसने बच्ची को दिल्ली से किडनैप किया था। पति की मौत के बाद ससुराल से भरण पोषण के लिए मुकदमा लड़ रही विधवा औरत का उसी के वकील ने बलात्कार कर दिया। वकील ने महिला को रोहिणी कोर्ट परिसर में बुलाकर रेप कर दिया। बवाना के पोर्ट खुर्द में जिम ट्रेनर पर घर के नजदीक गोलियों की बौछार कर दी गई। 2 गोली लगने पर युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घर वालों को शक है कि चंद रोज पहले हुए झगड़े में शामिल लड़कों ने ये गोलीबारी की है। सुभाष प्लेस में ग्राफिक्स डिजाइनर छात्र की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या में शामिल एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वजीरपुर फुटओवर ब्रिज के पास आरोपियों ने सिगरेट को लेकर हुई बहस के बाद मोहित की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। गाजियाबाद के निवाड़ी में सुबह युवक की गला दबाकर हत्या कर बदमाश सामान लेकर फरार हो गए।
इसके कुछ देर बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम से थोड़ी दूर पर स्कूल के गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाम होते होते लोनी में 25 साल के युवक का ईंट से पीट पीट कर मर्डर कर दिया गया। साकेत की रहने वाली 24 वर्षीय लड़की गुस्से में घर छोड़कर बाहर निकल गई, लेकिन ऑटो चालक की समझदारी से कुछ ही घंटों में परिजनों के पास लौट आई। घर वाले लड़की की फेसबुक फ्रेंड के खिलाफ थी, जिसकी वजह से उसने घर से भागने का कदम उठाया। द्वारका मोड़ पर तेज रफ्तार वैगनार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार। हादसे में रिक्शा में सवार 4 साल की बच्ची के सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी कार चालक वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। फेसबुक के जरिए विदेशी महिला ने नेपसराय में विक्रम को भाई बनाकर 51,000 रुपए ठग लिए। विदेशी महिला ने गरीब बच्चों तक राहत का सामान पहुंचाने के नाम पर विक्रम को जाल में फंसाकर ये ठगी की। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के नाम पर ससुराल वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के केस की सुनवाई की। अदालत ने तुरंत गिरफ्तारी रोकने की याचिका पर आखिरी फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरक्षण प्रणाली में किसी भी तरह की गड़बड़ और बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के लिए रेलवे में एक विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 21 अप्रैल से शुरू होकर 6 मई तक चलेगा, जिसके दौरान पकड़े गए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान टिकट खिड़कियों के नजदीक सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। नोएडा में टायर की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। बीजेपी नेता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।